मियां साहब ये बताइए क्या क्या वजह हुई कि आज आप लोग सड़कों पर आ? डीएपी खाद है कि उसका रेट है 7,800 रुपया, इस वक्त 14,000 14,500 को हमें ब्लैक में मिल रही है। उस बाद सोना यूरिया खाद है उसका रेट है तकरीबन 3750 रुपए, इसलिए 5,200 3,500 मिल रही है सानू किसान नू। एम पी के खाद है जी जरूरी खादा ने हर फसल जीडिया चाहिए ने वह रेट 5,000 से पिछले महीने हम 9,000 नहीं मिलती पी। और जो छोटा किसान है 10 एकड़ वाला 5 एकड़ वाला 4 एकड़ वाला वो बहुत मुश्किल हाल का शिकार है। और जेड़ा जिम्मेदार वड्डा हैगा है जिदे हाथ पैंदे ने सियासी तौर ते उन्हूं अज भी खाद कंट्रोल रेट ते मिलदी आ। इत्थे मसला गरीब ही आ, इत्थे दो कानून चलदे पए ने जिन्हां च सानूं एक कानून इस मुल्क दे अंदर ना होया मुल्क तरक्की नहीं कर सकदा। कहना दिनों दिन जिहड़ी है ना साडी फसल कम होंदी जा रही आ, साडी पापूलेशन वधदी जा रही आ। जिहड़े साडे सही कंट्रोलर ने उह ते खुद डिफेंस बना रहे ने, उह ते खुद सोसाइटियां बना रहे ने, उहनां बाकियां नूं की रोकणा। जमीन जट्टां दी मां हुंदी है ते जट्टां दी मां दे नाल बड़ी जट्टां दी मां नहीं ये पटवारियां दी मां बन गई। अजकल फसल गंदम दा बीजन तो लैके पक्कण तक खर्चा मांगदी है, स्प्रेयां खादां हर चीज। अस्सलाम वालेकुम, एनबीजी मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं आप लोगों की मेजबान इकरा लियाकत। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और किसान जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पाकिस्तान में, लेकिन उसी रीढ़ की हड्डी को जो है काफ़ी अरसे से तोड़ा जोड़ा जा रहा है। जब किसान से चीज़ खरीदने की बारी आती है तो कोड़ियों के भाव खरीदी जाती है, लेकिन जब खाद स्प्रे की बारी आती है तो जो ड्यूटी टैक्स होते हैं हर किस्म का टैक्स जो है वो किसान ने पे करना होता है, और जब उसकी फसल जो है वो काश्त होके मार्केट में आती है तो तब भी किसान ने टैक्स पे करना होता है। आज जमात इस्लामी वाले जो हैं किसानों के हक में एहतजाज के लिए आए हैं, क्योंकि DAP सोना यूरिया के बगैर गंदम की काश्त जो है वो मुकम्मल नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मियां रशीद मनाला, सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब। मियां साहब ये बताइए क्या क्या वजह हुई कि आज आप लोग सड़कों पर आ गए? हमारी जो खाद है इस वक्त जो हमारी बुनियादी चीज़ है खाद है हमारी फसल के लिए ज़रूरी होती है, जो हमने नीचे डालनी होती है उसका रेट है सरकारी तौर पर DAP खाद है कि उसका रेट है 7,800 रुपया, इस वक्त 14,000 14,500 को हमें ब्लैक में मिल रही है। उस बाद सोना यूरिया खाद है उसका रेट है तकरीबन 3750 रुपए, इसलिए 5,200 3,500 मिल रही है सानू किसान नू। MPK खाद है जी जरूरी खादा ने हर फसल जीडिया चाहिए ने उसका रेट 5,000 से पिछले महीने हम 9,000 नहीं मिलती पी। इस करके जिन्हिया खादा ने बिजली के बिल ने ये डबल हो गए ने ट्रिपल हो गए ने, इस तरह कास्ट और प्रोडक्शन जी बहुत महंगी पै रही है किसान नू। और जोड़ा छोटा किसान है 10 एकड़ वाला 5 एकड़ वाला 4 एकड़ वाला वो बहुत मुश्किल हाल का शिकार है। हुकूमत तो कहती असी आसान किस्तों से जरा कर्जा भी देने तो वो वजह तो जेड़े इलाके सैलाब न मुतासर हुए सन उन्होंने इन्होंने पिछले साल खाद तो बीज भी दिता से तो उन्होंने क्या बल्ले बल्ले हो गए असी काम कर दिता। यह सिर्फ मीडिया की हाथी करी है, ग्राउंड रियलिटी नहीं है। ये मीडिया की हाथी के जरूर ये कर लेंगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती मीडिया से चलाता असी इस तरह करता है। हुण इस वक्त भी जिहड़े आ जिन्नी इंतजामिया साडी आ नाल रली आ इन्हां दे डीलरां दे इन्हां डीलरां दे हथ मजबूत करदे पए ने। और जिहड़ा जिम्मेदार वड्डा हैगा जिहदे हथ पैंदे ने सियासी तौर ते उहनूं अज भी खाद कंट्रोल रेट ते मिलदी आ। जिहड़ा असल रीढ़ दी हड्डी किसान है छोटे लैवल दा किसान है जिन्हें मुल्क नूं मजबूत करना हुंदा उहदे वास्ते ते किसान च मसला गरीब ही है। गरीब ही आ इत्थे मसला गरीब ही आ। इत्थे दो कानून चलदे पए ने जिन्हें से सानू एक कानून इस मुल्क के अंदर ना होया मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। असी IFM को डॉलर लैन जाने तरले लेने पूरी कौम बेच के आ जाने असी क्यों नहीं अपने किसान को फायदा देंगे? मेरा किसान जिहड़ा इन्ना डालर पैदा कर देगा जिहड़ा उन्होंने अगले 10 साल जो कि भी जरूरत नहीं पवेगी डालर लैन की, मेरे किसान को तरक्की देन मेरे किसान वास्ते खुशहाली पैदा करन ऐसिया फसल तैयार करे जिहड़ियां बाहर सपोर्ट करती है बाहर दे मुल्कां दे विच सानू उत्थों डालर आउण ते सानू डालर लैन की कोई जरूरत हैगी नहीं। असी अपने किसान नूं तबाह कर रहे हैं, किसान जमीना वेच रहे हैं और फसल दिनों दिन इत्थे ते हाउसिंग सोसाइटियां बन रही है ना उही मैं अर्ज करन लगा ना दिनों दिन जिहड़ी है ना साडी फसल कम होंदी जा रही है साडी पापूलेशन वधदी जा रही है सूली तौर ते होना चाहिए नाल नाल ही साडी फसल भी वधदी जावे, लेकिन इत्थे कोई कानून नहीं कोई निज़ाम नहीं है कोई सिस्टम नहीं है। जिहड़े साडे सही कंट्रोलर ने वो तो खुद डिफेंस बना रहे ने वो तो खुद सोसाइटियां बना रहे ने उन्हां बाकियों नूं की रोकना। मेरे नाल कुछ किसान भरा भी मौजूद ने उन्होंने गल करने एक चाचा जी तो कई लैके नाल आ गए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी कई नाल ही चुके लै हाँ कई नाल ही जिम्मेदारी की निशानी है ना जिम्मेदार ताजी आ जो हथियार भी अपना हो। मैं सुनिया
जमीन जटा की मां होंगी है ते जटा की मां ते नाल बड़ी ज्यादा जटा की मां नहीं पटवारियों की मां बन गई अजकल। अच्छा। क्योंकि जो उन्हें लेना देना भी है तो पटवारी ने वो कोई मुआवजा लेना दिता तो दसेगा भी पहले चलो वो गल हूँ सिर्फ खाद माफिया आम तौर पर आखंडा ने माफिया से कंट्रोल करो जी माफिया कंट्रोल अने माफिया से कंट्रोल नहीं माफिया खत्म करो लाए अमल ये अभी किस तरह हो सकता क्यों हो सकता यानी बाहरले मुल्क जिम्मेदार ने उन्होंने राबता करो की कद करते हैं तकरीबन एक एकड़ के बदले एक लख रुपया जिम्मेदार नू फ्री देना सीजन पर ताकि गंदम का फसल अच्छा ला सके। अच्छा, तू तो गल कर दी मैं उमरा करन भेज देने इतने तो उन्होंने कहना हथों लख जी। हाँ जी हाँ जी वो गल सुनो वही तो मैं पहले गल की बाहरले मुल्क भी राबता करके पूछा कर वो की करते हैं असं हूँ किसी का हवाला दईए तादी माड़ी गल तो कोई नहीं कह ते दूसरी गल अभी अपनी वैसे किन्ने के किले जमीन है जमीन 12 एकड़ जमीन है। तू तो वैसे नंबरदार है तू नंबरदार नहीं 12 एकड़ जेड़े आगा जी पैदा भी होए ने हुन आज तक सीम ते पांच पांच मरले ही आई हो चलो पांच पांच मरले ही आनी आनी है उन्हां नू ते ए चीज ए अभी फसल गंदम दा बीजन तो लैके पक्कण तक खर्चा मांगदी है स्प्रे खादा हर चीज गोबर की खाद पाओ तो खर्चा घट गोबर की खाद पाओ जेड़ी खाद या यूरिया या जो भी है खाद ताद असर करती है जे गोबर की खाद पाई हो गोबर भी पा सुटिया हो नहीं तो खाली खाद इस्तेमाल करते रहो काम करने हट जाएगी। चाचा जी की लैना है जी असं आए हैं जी किसान बोर्ड की तरफों जिहड़ा किसान बोर्ड है सानू खाद जिहड़ियां ने बहुत महंगी मिल रही ने साडी फसलां जिहड़ियां ने बहुत सस्तियां जा रही ने इहदी वजह तो अहीं आए हाँ जिहड़ी 5700 की खाद है वह सानू 14000 की लभदी है जिहड़ी इह अपना DAP 5500 की हो गई है कणक दा की रेट कणक दा तो रेट ही कुछ नहीं गा जे खाद ले जाइए तो सानू की देने ने 4000 च साडे वास्ते है ही कुछ नहीं 4000 च 4000 ते बणदा नहीं जे खाद ना पाईए ते किले च 15 मन 20 मन पैदावार ही होवे ते बेले ट्रैक्टर दी वाह एक किले दी अगर औसत दी गल आओ कि 25 मन कणक होई ते 4000 रुपए कणक दा रेट है 1 लाख रुपए दी होगी 1 लाख रुपए दे विच खर्चा किन्ना आंदा जमीन दा 30000 रुपए ठेका कढ लो किले दा 30000 रुपए किले दा ठेका हो गया ना शमाई दोवे 60000 ते 14000 रुपए दी DAP दी बोरी 7000 रुपए दी सोना यूरिया दी पिछे तुहानू की बचया पिछे कख बचे ने तूड़ी लैके भूसा लैके घर चले जाएंगे साढ़े वास्ते की बचना हूँ 60000 रुपया भुल जाओ 1 लाख तो 10000 रुपया ठेका है हूँ वो गल खत्म हो गई जड़ियाँ 30000 का या 50000 का किला लगता से हूँ 60000 च किला है बतूतों 32 का बिल है 32 का बिल कुड़ी वा 2-2 लाख रुपये 32 का बिल पाउंडे ने कोई इंसाफ है ये हुकूमत जी साढ़े वास्ते की इंतजाम कर रही है तो जो सलाब आदमी जटन बी भी दे खाद भी दे साडे इलाके च अज तक कोई ना बी ना खाद ना कोई रिलीफ दिता है सानू कुछ नहीं दिता ये वजीरे आला दा काम है साडी निगरान हुकूमत दा काम है कि साडे वास्ते खाद नहीं मिल रही सस्तियां नहीं हो रही साडे जिहड़े ने सारे किसान वाले वेख्या जाए किसान दा सोचा जाए जे किसान मर गए तो समझो मुल्क तबाह हो गया मुल्क जिहड़ा है किसान दे उत्ते सब तो जिस मुल्क की जरात अच्छी नहीं गई उस मुल्क का निज़ाम अच्छा नहीं गा। जी नाज़रीन इकराम ये देखें हमारे मुल्क के किसान का हाल कि आज मुल्क का किसान भी जो है वो भी सड़कों पर आ गया है और खाद माफिया के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर है। लेकिन अगर हमारे मुल्क का किसान अमीर है सियासतदानों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को आपका हक मिल सके। मुझे दे इजाज़त अल्लाह ने के बाद।